नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पाली जिले के रायपुर मारवाड़ उपखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा की सूरत इन दिनों ऐसी बदली है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सरकारी अस्पताल है। भवन में प्रवेश करते ही छायामय वातावरण में मरीजों के परिजनों की बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था है। पानी के लिए आरओ का ठंडा पानी उपलब्ध है और अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ मरीज और उनके परिजनों को देखने के लिए एलसीडी की व्यवस्था की गई है ताकि मरीज और उनके परिजन खाली समय में टीवी देखकर अपना समय व्यतीत कर सकें। ये सब चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा के प्रयास से भामाशाहों और आमजन के सहयोग से संभव हुआ है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अस्पताल में शीतल पेयजल, गद्देदार कुर्सियां और परिजनों के लिए कूलर की व्यवस्था की है ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों और परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए बाकायदा चिकित्सालय कर्मचारियों की ओर से पूछताछ की जाती है और गांव के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों के साथ मीटिंग करके उनसे हॉस्पिटल में लग रही कमियों के सुझाव मांगे जाते हैं और अपेक्षित सुधार किया जाता है। स्वयं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र मरीजों के बेड सफाई और स्वच्छता का जायजा लेते हैं ताकि मरीज और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिनांक 27 मार्च 2020 को इस अस्पताल डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा के चिकित्सा प्रभारी पद का कार्य ग्रहण करने के पश्चात ही इस कोरोना महामारी में मरीजों के कोरोना सैंपल करवाने का रिकॉर्ड कायम करते हुए अस्पताल परिसर को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। चिकित्सा परिसर सभी प्रकार के छायादार और फल लगने वाले पेड़ लगाए गए और अस्पताल की छत से लेकर अन्य टूट फूट की मरम्मत कराई गई। अस्पताल की दशा देखकर इसके विकास के लिए भामाशाह और ग्रामीणों से संपर्क करना शुरू किया। इसके साथ साथ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से एकजुट होकर हम अंजाम तक पहुंच पाए। कुशालपुरा चिकित्सालय में 16 का स्टाफ है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि लोगों की सरकारी अस्पताल के प्रति मोहभंग की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और निजी अस्पताल के समान सुविधाएं देने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। सर, आज कुशालपुरा सीएसए में कितनी सैंपलिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है आपने और अब तक कितनी सैंपलिंग हो चुकी है? आज लगभग 100 लोगों की सैंपलिंग करवाने का हमने लक्ष्य रखा है और लगभग 70 तक सैंपलिंग हो गई है और चल रही है और अब तक लगभग 2000 समथिंग सैंपलिंग हो गई है। बिल्कुल ओपीडी कम हुई है, जो 300 ओपीडी होनी चाहिए थी उसकी जगह 100 से 150 के बीच में ओपीडी हो रही है और जहाँ 5 से 7 डिलीवरी डेली की होनी चाहिए थी जो हो रही थी पहले, अब लगभग 2 से 3 डिलीवरी हो रही है। स्पेसिफिक फोकस करूँगा जहाँ पहले भी मैं अपनी ड्यूटी करके आया हूँ, जैसे पहले जिस पीएससी पर था वहाँ भी मैंने सफाई पर बहुत फोकस किया था और ये सही भी है। ज़्यादातर अपने जो इंडियन सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति दयनीय है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, स्पेस प्रॉपर स्पेस नहीं है और उसके बाद सैनिटाइजेशन भी नहीं है अच्छा और परिसर है तो बहुत सिकुड़े हुए हैं, इतने बिल्कुल जगह नहीं है और जगह भी है तो वहाँ पे अच्छे से पेड़ पौधे नहीं लगे हुए। मैं चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट पार्ट के साथ साथ वहाँ की साफ सुथरा होना और वहाँ की पर्याप्त मात्रा में जगह होना, इसके साथ साथ ही पेड़ पौधों को होना, ये सब बहुत काफ़ी मायने रखता है और इसीलिए मैं दोनों टाइम मेरे हॉस्पिटल में साफ सफाई करवाता हूँ और इसके अलावा जो परिसर में खाली जगह पड़ी थी वहाँ पर मैंने पेड़ पौधों का रोपण भी किया है और लगभग मैं यही चाहता हूँ कि हर सरकारी हॉस्पिटल में साफ सुथरा होना या उसको सैनिटाइजेशन करना, पर्याप्त जगह होना पहला पॉइंट है, इसके बजाय दूसरा ट्रीटमेंट है। हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ जो बीच में लोग आधी अधूरी बातें इधर उधर कह देते हैं या जो मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं वो पूरे उसके तह तक जाते नहीं है। देखिए, ऑफिशियल जो न्यूज होती है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी के आधार पर जो रिपोर्टिंग होती है, उसके आधार पर जो रिजल्ट आता है उसको प्रूफ मान करके ही ऐसा न्यूज प्रकाशित करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज मेरा टारगेट लगभग 150 से 200 को था लेकिन लोगों ने यही सवाल खड़ा कर दिया कि साफ रिपोर्ट ही आपकी मतलब विश्वसनीय नहीं है, हो सकता है हमारे पॉजिटिव निकाल दे, इस तरह के लोगों में डर सा भी व्याप्त हो गया, इसकी वजह से धीरे धीरे लोग आना भी कम हो गए और ये ऐसी खबर मेरे हिसाब से नहीं प्रकाशित नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको लेकर हम लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पेड़ में जाके उनको समझाना बड़ी तकलीफ होती है। तो जहाँ तक बात है विश्वसनीय है और विश्वसनीय ही रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं यही चाहूंगा कि लोगों को सभी को जिनको तकलीफ है जो